माननीय वेंकैया जी सबमिट करेंगे पूरी बात को। मैं दो तीन मुख्य बिंदु ही कहूंगी, खास करके मीडिया के बंधुओं को मैं कहूंगी कि ये भारत में ऐतिहासिक क्रांति है कि अभी तक आजादी के बाद से लेकर के आज तक, यानी 1947 से 2016 तक जितनी सिंचाई हुई है उसका 7% अकेला हम 3 साल में पूरा करने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी चीज है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जबकि नए गेट खोले गए हैं सिंचाई के लिए, और इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का, पीएमओ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात रही पोलावरम एक एक्ट के अंतर्गत जब विभाजन हुआ था तो नेशनल प्रोजेक्ट बनाया गया। उसी के तुरंत बाद जब हमारी सरकार बनी, माननीय चंद्रबाबू नायडू जी जाने गए हैं विकास के लिए। मैं जब सीएम बनी थी तो मैं ये जानने की कोशिश करती थी कि चंद्रबाबू नायडू जी सीएम के तौर पर कैसे काम करते थे, ताकि मैं उनके अनुसार काम करूं। मोदी जी और चंद्रबाबू नायडू जी उस समय पर मेरे लिए मुख्यमंत्री के तौर पर यह आदर्श उदाहरण थे। मैंने उनकी व्याकुलता देखी थी पोलावरम के लिए, वो कितने व्याकुल थे। लेकिन उनके, हम सबके एक बड़े भाई, एक अम्ब्रेला माननीय वेंकैया नायडू जी यहाँ रहे और वो इतने उत्सुक रहे इसके लिए और हम सबको प्रेरित करते रहे पूरे समय। मेरी स्थिति तो ये हो गई थी कि मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का निमंत्रण नहीं स्वीकार कर पा रही थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी जाने का, क्योंकि जैसे ही मैं वहां जाऊंगी तो मैं पोलावरम के बारे में क्या जवाब दूंगी, और इसलिए मैं इसको टाल रही थी। अब मैं बहुत स्वाभिमान के साथ और आत्मसंतोष के साथ, अब वो जब कहेंगे तब मैं अपनी पूरी टीम को लेकर के वहां जाऊंगी, क्योंकि अब मैं उनकी नजर में नजर मिला करके देख सकती हूँ और उनसे बात कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे इस बात का बहुत दुख रहता था कि जितनी तेजी से वो काम करते हैं उसमें हम उनका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। उनकी ये, उनके बारे में ये मान्यता है कि वो बहुत तेजी से काम करते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारे अन्य अधिकारीगण उपस्थित हुए हैं, उन लोगों ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बात कही थी कि डेवलपमेंट को हमें एक जन अभियान में बदलना होगा, और वास्तव में जैसा कि माननीय चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा है, इसको उन्होंने पूरा भी किया है। ये जो प्रोजेक्ट हम पूरे करने जा रहे हैं, 99 प्रोजेक्ट, जब 99 प्रोजेक्ट की मंजूरी हो रही थी कैबिनेट में तो कैबिनेट की हमने कसम खाई होती है गोपनीयता की, लेकिन एक बात एक इंफॉर्मल थी वो, और वो थी कि ये कहा गया कि इसको 100 कर दीजिए। आपको याद है सुषमा जी ने कहा कि केन बेतवा के साथ में 100 कर दीजिए, लेकिन पोलावरम के साथ, और पोलावरम को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। माननीय वेंकैया जी हम सबको लेके जाते थे, मैं भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास में जाती ही रहती थी, चौधरी साहब वहां बहुत मिलते थे, बल्कि ये नजर रखते थे कि मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री कब जा रही हूँ, और फिर चौधरी साहब आके बैठ ही जाते थे हमारे साथ में, और ये बात चलती रहती थी कि पोलावरम अगर स्पेशल पैकेज है तो पोलावरम को स्पेशल पैकेज के तौर पर ट्रीट करते हुए जल्दी से जल्दी, और आज लगभग 2000 करोड़ की राशि है जो पोलावरम के लिए आज दी गई है, और इसके लिए मैं उन सब की बहुत बहुत आभारी हूं जिनने इसके लिए हमें प्रेरणा प्रदान की है। अब पोलावरम प्रोजेक्ट के साथ जो 99 प्रोजेक्ट में जो हमारा सिंचाई होना था वो होना था 76 लाख हेक्टेयर की। अब पोलावरम प्रोजेक्ट के साथ में हम 3 साल में सिंचाई की क्षमताओं को कर सकेंगे 80 लाख हेक्टेयर, यानी लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर पोलावरम को मिला करके हम 3 साल में पूरा कर सकेंगे। और जिस स्पीड के साथ हमारे विभाग ने, जिस स्पीड के साथ सभी लोगों ने काम किया है, उसमें मुझे लगता है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ये चिंता कि हम आंध्र प्रदेश के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को, जो कि नेशनल प्रोजेक्ट है, इसको हम समय पर ही पूरा करें, उसमें कोई रुकावट ना आने पावे, मैं इस बात को देख रही हूं कि आगे ऐसी अड़चन आने नहीं पाएगी, क्योंकि हमें 2019, बल्कि हम तो 18 ही मान करके चल रहे हैं, हमें अगर 80 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमताओं का निर्माण करना है तो पोलावरम उसमें शामिल है, बल्कि उसके आगे है, वो लीड कर रहा है, तभी हम इस सिंचाई की क्षमताओं को प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा, मुझे आप लोगों से भी ये आग्रह करना है कि भारत की ये पहली विशेषता है जिसमें कि महाराष्ट्र, कभी किसी ने गौर नहीं किया इस बात पर कि सिंचाई के मामले में
सबसे पीछे जो दो राज्य हैं हिंदुस्तान के, उसमें है एक झारखंड और दूसरा महाराष्ट्र। और उसका कारण ये रहा कि महाराष्ट्र के ऊपर जो डोमिनेशन रहा वो मुंबई का रहा, और मुंबई दुनिया भारत की आर्थिक राजधानी रही और एक ग्लैमर रहा उसका। इसके कारण ये ध्यान ही नहीं गया कि वहां पर कृषि में तो क्रांति हुई, तरह तरह के प्रयोग भी हुए, लेकिन सिंचाई के मामले में महाराष्ट्र बहुत पीछे छूट गया। और इसके कारण वहां जो आत्महत्याओं का दौर बढ़ा, सिंचाई की परियोजनाएं 20-20 साल लेट हो गई, जो 1,000 करोड़ में पूरी होनी थी वो 10,000 करोड़ तक पहुंच गई पूरा होने में। अंत में मोदी जी की ये सरकार ने हिम्मत की है और ये साहस किया है कि हमने महाराष्ट्र के 26 प्रोजेक्ट को 2018 तक पूरा करने का तय किया है, और उसी के लिए आज पहला चेक है जो गिरीश महाजन जी को हमने दिया है। गिरीश महाजन वो व्यक्ति है जो हमारी टास्क फोर्स के सदस्य हैं, और इन्होंने इसमें भी भूमिका निभाई है कि 99 प्रोजेक्ट को किस प्रकार से पूरा किया जाए। महाराष्ट्र में आत्महत्याएं बढ़ी, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा जैसे वो इलाके हैं जो कि बहुत सूखे हैं, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पूरी पैकेजिंग बनाई है राज्य सरकार ने और CWC के अधिकारी और राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जिस प्रकार से प्रोजेक्ट तैयार किए, अप्रेजल किए हैं, उससे मुझे लगता है कि सुसाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट और ड्राउट प्रोन डिस्ट्रिक्ट इन प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 90% आ गए हैं। बाकी जो बचे रह गए हैं, मैंने फडणवीस साहब को कहा है कि उनके अलग से स्पेशल पैकेज बना करके दीजिए, हम महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों को हम सूखे के प्रभाव से बाहर निकाल के लाएंगे। जो बात अभी चंद्रबाबू नायडू साहब ने कही रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में, हमने सारी बाधाएं पूरी कर ली है केन बेतवा की। मैं एक बार फिर से धन्यवाद दूंगी वाइल्ड लाइफ बोर्ड का, जो सबसे कठिन था, जो इम्पॉसिबल था, अभी अचीव दैट, उन्होंने हमको अपनी क्लियरेंस दे दी है। अब फंडिंग पैटर्न की बात रह गई है, इसलिए मैंने माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को बीच में ही टोक करके कह दिया कि मुझे नए साल की गिफ्ट दे दीजिए और 90% या 100% की फंडिंग पैटर्न में केन बेतवा को कर दीजिए। बस नीति आयोग ने एक ही आपत्ति की है, और जैसे ही फंडिंग पैटर्न क्लियर हुआ, किसी भी दिन हम केन बेतवा की भी लॉन्चिंग करने ही वाले हैं, और मैं माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब को भी उससे जोड़ करके रहूंगी, क्योंकि एक प्रकार से वो कर चुके हैं, इंटरलिंकिंग की तैयारी कर चुके हैं वो, और इंट्रालिंकिंग शुरू कर चुके हैं। इसके लिए उनका अभिनंदन होना चाहिए कि वो हमारे लिए उसमें भी एक गाइडिंग फोर्स बन चुके हैं। और इसलिए बहुत जल्दी 3-4 प्रोजेक्ट और पार तापी नर्मदा तैयार हो रहा है, दमन गंगा पिंजाल तैयार हो रहा है, और केन बेतवा बिल्कुल किसी भी दिन लॉन्चिंग की तैयारी में है। यानी कि सिंचाई के क्षेत्र में भारत ने क्रांतिकारी कदम उठा लिए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संस्कृति है, जो स्वभाव है कि वो क्रांतिकारी कदम उठाते हैं, तो सिंचाई के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी कदम शुरू हो गए हैं। अब लगभग 66,000 करोड़ की रकम से 99 प्रोजेक्ट, और जिसमें कि पोलावरम आगे हमारा लीडर होकर के चल रहा होगा, और हम 80 लाख हेक्टेयर जमीन को 2018 तक सिंचित कर सकेंगे। मुझे अपने विभाग के सभी अधिकारियों पर यकीन है, मुझे नाबार्ड पर पूरा यकीन है, और मुझे वेंकैया नायडू जैसे माननीय वरिष्ठ मंत्री के वरद हस्त का यकीन है, और हमारी गाइडिंग फोर्स माननीय चंद्रबाबू नायडू जी हमारे लिए हीरो बनके, लीडर बनके आगे चल रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे विभाग के सभी अधिकारी, नाबार्ड के सभी अधिकारी, राज्य सरकारों के सभी अधिकारी जो संबंधित राज्य सरकारों के, आंध्र प्रदेश के सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, और आंध्र प्रदेश के, महाराष्ट्र के और गुजरात के भी सिंचाई विभाग के सभी अधिकारी, सभी राज्य के माननीय जो सांसद विधायकगण आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि भारत की बाढ़ को हम सूखा के निवारण में लगा देंगे, जो फ्लड है वो ड्राउट के सोल्यूशन में लग जाएगा। फ्लड विल नॉट बी द प्रॉब्लम एंड द ड्राउट विल बी सॉर्टेड आउट बाय द फ्लड वाटर, और हम इसको जरूर पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से सबका अभिनंदन करती हूँ, और हम सबके नेता, हम सबके वरिष्ठ और मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम मंत्री माननीय वेंकैया नायडू साहब को कहूंगी कि वो हम सबकी बातों का अब समअप करें।